एसपीएनआई न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस मुकाबले में आमने सामने हैं। इसी को लेकर चुनाव प्रचार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को भोपाल में थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका दिया गया एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पत्रकारों के 2024 को लेकर पूछे गए सवाल पर खड़गे ने कहा कि बकरी ईद पर बचेंगे तो मुहर्रम पर नाचेंगे। बीजेपी ने इस मुसलमानों का अपमान बताया है। भोपाल में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने कहा कि पहले ये वाला आंतरिक चुनाव हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम पर नाचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को मुसलमानों का अपमान बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के इस परिवार द्वारा चुने गए प्रॉक्सी अध्यक्ष के उम्मीदवार से पूछा गया कि 2024 में कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार कौन होगा, उनका जवाब था बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम पर नाचेंगे। अब देखिए ये बयान जो है वो सुर्खियों में क्यों है। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर इस बयान को लेकर के सुर्खियां इसलिए तेज है क्योंकि यहाँ सबको पता है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार होगा वो राहुल गांधी होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देखिए सोनिया गांधी भी अब इस बयान को यूं ही नहीं जाने देंगी, क्योंकि यहाँ जो है साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपने व्यक्तित्व को बताते हुए नजर आ रहे थे कि वो किसी की उंगलियों पर नहीं नाचेंगे। और जहां तक यहाँ विश्लेषकों का मानना है कि सोनिया गांधी जो है ऐसे नेता को अब कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस तरीके से बयान कांग्रेस को दो तरफ से जो है वार कर रहा है। सबसे पहला तो ये कि वो सीधे तौर पर गांधी परिवार के ऊपर वार करते हुए नजर आए कि आने वाले समय में देखेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, जबकि अगर बाकी कांग्रेसी से पूछा जाए तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि यहाँ राहुल गांधी ही जो है वही अगले उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे। वही दूसरी तरफ से उन्होंने वार इस बात को लेकर के भी कर दिया जहां मुस्लिमों का वोट कांग्रेस हमेशा से अपनी तरफ खींचने में समर्थ रहती थी और उनको भरोसा दिलाने में समर्थ रहती थी, जिनके बदौलत अभी किसी किसी राज्य में जो अपनी सत्ता पर काबिज है, आज उनके ऊपर भी आहत करने वाला एक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया, जिसके बाद यहां मुस्लिम लोगों का जो है अब अपना एक अलग रुख होगा। इसको देख करके सोनिया गांधी अपना बड़ा फैसला ले सकती है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ना गांधी परिवार को लेकर के सम्मान देते हुए नजर आए इस बयान में और ना ही उन वोटरों को सम्मान देते हुए नजर आए जिनके बदौलत अभी भी कांग्रेस जो है वो अपनी आगे की सीढ़ी तय करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आज के बाद इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है, क्या यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ही उनके लिए सबसे बड़ा दीवार खड़ा कर देगा आने वाले पद के लिए? आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। और ये भी बताइएगा क्या इन तमाम मुद्दों को देखने के बाद सोनिया गांधी क्या पार्टी से बाहर का रास्ता यहाँ पर खड़गे को दिखा सकती है? आप कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएनआई न्यूज़।